प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 106वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित। जेजेपी द्वारा चौधरी देवीलाल पार्क में ताऊ की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला व पूर्व विधायक नैना चौटाला ने दी श्रद्धांजलि। दिग्विजय सिंह चौटाला का बयान, युग पुरुष थे चौधरी देवीलाल, उनके दिखाए रास्ते पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि। देश की आज़ादी के हीरो थे चौधरी देवीलाल। पल-पल शीर्षक से अमर सिंह जाने की विशेष रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 106वीं जयंती पर के अवसर पर सिरसा में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सिरसा के चौधरी देवीलाल पार्क में जेजेपी द्वारा ताऊ की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला व पूर्व विधायक नैना चौटाला ने चौधरी देवीलाल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि चौधरी देवीलाल एक योग पुरुष थे और आज हमें उनके दिखाए रास्ते पर चलना ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना है। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि चौधरी देवीलाल देश की आज़ादी के हीरे थे और गरीबों को दर्द को समझने वाले महान व्यक्ति थे। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि जेजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और हरियाणा की जनता अब बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि रोहतक की रैली में जिस तरह से लोगों का उत्साह देखने को मिला है, उनसे जेजेपी पार्टी को मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि जल्द ही घोषणा पत्र जारी कर दिया जाएगा और जिसमें हर वर्ग के हितों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नवरात्रों में प्रत्याशियों की दूसरी सूची भी जारी की जाएगी, जिसमें 50% टिकट युवाओं को देंगे और वहीं 27 टिकटों पर महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। वहीं खुद के चुनाव लड़ने पर दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि वह सभी 90 चुनाव प्रचार करेंगे, यानी 90 सीटों पर चुनाव प्रचार जरूर करेंगे। अब देख रहे हैं पल-पल की यह विशेष रिपोर्ट। संघर्ष देवता युग पुरुष स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की 106वीं जयंती, उनका 106वां जन्मदिवस, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर सिरसा शहर के लोगों ने पार्क के अंदर उनकी स्टैच्यू पर पुष्प अर्पित कर उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी। युग पुरुष जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल इस देश की जंगी आज़ादी के एक बहुत बड़े हीरो हुए, नायक हुए, जो उनका किरदार और उनका रोल प्री इंडिपेंडेंस है, हमें कहीं ना कहीं उसको भूलना नहीं चाहिए। 14 साल की उम्र में इस देश के संघर्ष में उतर जाना, देश के लिए कई बार जेलें काटना, शहीद आजम भगत सिंह जी के साथ शामिल होकर उनके शिनाख्ति परेड में उनसे अगले नंबर पर खड़ा होकर उनसे प्रेरित होना और उसके बाद इस देश को आज़ाद करवाना, उसके पश्चात चाहे उनकी मुजारा मूवमेंट हो, हरियाणा प्रदेश को अलग करने की बात हो, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म करने की बात हो, इमरजेंसी के उस काले अध्याय से लड़ने की बात हो, और फिर उनकी पॉलिसीज, पेंशन, जो मैं मानता हूँ कि चौधरी देवीलाल जी को जो लोग ये कहते थे कि वो सीधे साधे भोले भाले नेता थे, चौधरी देवीलाल जी से बड़ा सोशल इंजीनियर इस धरती पर कोई राजनीति में पैदा नहीं हो सकता, जो गरीब की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, बुजुर्गों की आर्थिक ताकत को बढ़ाने के लिए उनकी मदद करे, चाहे पेंशन हो, चाहे जच्चा बच्चा योजना हो, चाहे गरीब बेटी की शादी में कन्यादान की स्कीम हो। मैं ये तो 2-3 बनवा रहा हूँ, अगर मैं उनकी आर्थिक तौर पर मदद करे, यानी अर्थशास्त्र भी वो इतने बड़े थे, इतने नायक, इतने महानायक थे, जो है ना, फाइनेंशियल मजबूरियां गरीब की समझते थे और उसकी मदद करने का काम करते थे। इसी हिसाब से वो सोशल इंजीनियर थे, यानी 36 बिरादरी को सम्मान, ताकत और सम्मान अधिकार मिले, उसके लिए चाहे बैकवर्ड हो, बैकवर्ड का आरक्षण अगर इस देश में लागू हुआ तो वो अगर किसी व्यक्ति ने लागू किया, उसमें सबसे बड़ा रोल जो वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का रहा। इसी हिसाब से राजनीतिक तौर पर तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, चाहे इंदिरा गांधी से लड़ने की बात आई हो, चाहे राजीव गांधी को धराशायी करने की बात आई हो, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो भी इस देश में पहली बार फॉर्म हुई उसमें चौधरी देवीलाल जी नायक रहे, उन्हें याद किया जाएगा, उन्हें भूला नहीं जा सकता। तो उस शख्सियत का नाम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल है। उस महापुरुष को आज वो शारीरिक तौर पर हमारे बीच में नहीं है,
मगर उनकी प्रेरणा एक तरह से प्रकाश बन करके हमें प्रोत्साहित करता है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जननायक जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तौर पर तैयार है। हमने पहली लिस्ट जारी कर दी है, नवरात्रे की शुरुआत में दूसरी लिस्ट भी जारी हम कर देंगे और माता के आशीर्वाद से हरियाणा प्रदेश की जनता, 36 बिरादरी, हर वर्ग के सहयोग समर्थन से आपने रोहतक में रैली देखी और उसका रूप देखा। इतनी भीड़ और इतना उत्साह, इतना जोश बुजुर्गों तक, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि हरियाणा की जनता बदलाव के लिए खड़ी हो चुकी है और दुष्यंत को अपना आशीर्वाद देने जा रही है। घोषणा पत्र तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। घोषणा पत्र सिर्फ और सिर्फ कुछ बिंदुओं तक सीमित नहीं हो सकता। दुष्यंत एक विजनरी नौजवान है और दुष्यंत वो घोषणा पत्र लेकर के आएंगे जिसके अंदर चाहे गरीब की बात हो, किसान की हो, मजदूर की हो, चाहे बैकवर्ड की हो, चाहे दलित की हो, चाहे नौजवान की हो, चाहे महिला की हो, खेल खिलाड़ी की हो, कर्मचारी की हो, हर वर्ग, ये भी मैंने कम नाम लिए, हर वर्ग को, चाहे कोई टपरीवास समाज से है, हर वर्ग को साथ लेकर के, 36 बिरादरी को साथ लेकर के हम एक ऐसा विजन डॉक्यूमेंट लेकर के आएंगे जिस जो रियलिस्टिक हो, जो सच्चा हो और जमीन पर उतर सके, लोगों को उस पर विश्वास हो सके। मैं बधाई दूंगा दुष्यंत जी को कि बूढ़ा बूढ़ी की पेंशन उन्होंने आज जो सिर्फ 4,000 थी, 2,000 बुजुर्ग की, एक दंपत्ति की, उसको दुष्यंत जी ने 10,200 रुपए पेंशन बुजुर्ग आदमी को देने का, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। जब घर में कहां तो 4,000 आए और कहां महीने की शुरुआत में 10,000 और 200 रुपए मिले बुजुर्ग आदमी को, फिर किसी के सामने झोली पिलाने की और हाथ पिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े बड़े लोगों की तनख्वाह से भी बड़ी तनख्वाह एक तरह से पेंशन बांधने का काम। युवाओं की कितनी भागीदारी होगी चुनाव में, कितनी सीटें मिल सकती है? हमने कहा है कि हम 50% रिजर्वेशन युवा पीढ़ी को देंगे। मेरा कहने का मतलब युवा पीढ़ी को, और जो लोग हमारे लिए निरंतर संघर्ष करते आए, 45 सीटें हम उन्हें देने का काम निश्चित तौर पर करेंगे, 90 में से 27 महिलाओं को टिकट देने का। आपकी कौन सी सीट होगी? मेरी सीट 90 की 90 होंगी। मैं हर जगह जाकर के प्रचार करूंगा और पार्टी को हम जिताएंगे, हम कार्यकर्ता बनकर के काम करेंगे। जब ये सब लोग जीत करके आएंगे तो फिर दिग्विजय भी 90 की 90 सीटों पर जीता घोषित हो जाएगा।